फोकस ऑन द चैप्टर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस. देखो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि रिटर्न डिपिटेशन को बेसिक मतलब उसके बेसिक्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, राइट. मतलब डीआई है क्या और एग्जैक्टली उसके लिए अरिथमेटिक मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस. तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बेसिक रूल्स और कुछ ट्रिक्स, और कुछ मैं आपको टिप्स भी दूंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सो कैन वी स्टार्ट, राइट. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों कि हम लोगों को टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़ना क्या है, ठीक है. ओके जस्ट वेट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ कि सिंपल सा एक लॉजिक लो बच्चों. अगर बाय द वे हम लोग कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, राइट. अगर कोई डिस्टेंस कवर करते हैं, सपोज दैट कि मैंने माना जैसे डिस्टेंस है, राइट. अगर मैंने लिखा डिस्टेंस, और अगर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डिस्टेंस कवर करेंगे तो कुछ टाइम भी लगेगा, राइट. कुछ टाइम लगेगा और हम लोग किसी ना किसी स्पीड से कवर कर रहे होंगे, है ना. उस डिस्टेंस को किसी ना किसी स्पीड से कवर कर रहे होंगे, राइट. तो इट मीन्स क्या है बच्चों, डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इंटू स्पीड. ये बेसिक फॉर्मूला है जो कि आपको पता है. आप खुद से सोचो कि अगर बाय द वे आपको याद नहीं रहता है तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके से याद रखना है. आपने एक ट्राइंगल, अगर सपोज दैट कि आप ट्राइंगल एक बना लो, इसके तीन साइड होते हैं सभी को पता है. तो इसे ना तीन पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है बच्चों. किस तीन पार्ट में डिवाइड कर ले, इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. मैंने तीन पार्ट में कर लिया, आप कुछ भी कर सकते हो, आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो. लेट मी इरेज, जस्ट वेट. हाँ, जैसे मैंने ये ट्राइंगल बनाया है तो इसे हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि तीन पार्ट में इस ट्राइंगल को डिवाइड कर लेते हैं. आप ट्राइंगल रूल याद रखोगे तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली याद रहेगी बच्चों. जैसे कि अगर मैंने ट्राइंगल बनाया और इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया, ये एक पार्ट ट्राइंगल का और ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया, राइट. सपोज दैट कि यहाँ पे मैंने लिखा डिस्टेंस, है ना, और यहाँ पे लिखा मैंने स्पीड, और यहाँ पे लिखा मैंने टाइम. अब आप बोलो कि मैम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं. देखो जब मैं आपसे पूछूँ डिस्टेंस, राइट, तो आप क्या करोगे, दोनों नीचे वाले को मल्टीप्लाई करोगे, स्पीड इंटू टाइम. मैं पूछूँ आपसे स्पीड, तो स्पीड साइड से रख हटा देना है और डी बाई टी कर देना है, मतलब कि डिस्टेंस बाई टाइम. अगर मैं आपसे टाइम पूछूँ तो आप साइड से राइट साइड से टी हटा देना और यहाँ बच जाएगा डी बाई एस. गॉट इट. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस का, डिस्टेंस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, कि डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इंटू स्पीड होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, एंड टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, राइट. कुछ और कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करते हैं कि एग्जैक्टली इसमें और कौन कौन से कॉन्सेप्ट है ना. अब सपोज दैट कि मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा समझ सकते हैं कि जो स्पीड होती है, जो स्पीड होती है, कहीं ना कहीं आप देख रहे होगे कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम की. मतलब कि आप खुद से लॉजिकली सोचो कि अगर आप अपने गाड़ी के स्पीड को बढ़ाते हो तो क्या आपका टाइम घट जाता है, राइट. आपको जो जगह 2 घंटे में पहुंचना है, आपने स्पीड बढ़ा दी, क्या आप उस जगह पे थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे. तो हमने स्पीड बढ़ाया, टाइम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, घट जाएगा. या फिर अगर ऑपोजिट लेके देखो, जैसे अगर हमने सपोज दैट कि टाइम घटाया, तो मुझे एक बात बताओ, टाइम अगर घटा है तो क्यों घटा है, क्योंकि हमने ज़रूर स्पीड बढ़ाया होगा, है ना बच्चों. तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब रेसिप्रोकल होता है टाइम के, और टाइम है जो रेसिप्रोकल होता है स्पीड के, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी आप बोल सकते हो. सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट. अब आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो यूनिट होती है बच्चों, इसकी यूनिट होती है, अगर मैं यूनिट लिखूँ, यूनिट ऑफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मतलब जनरली जो स्पीड की यूनिट होगी वो किलोमीटर पर आवर में होगी, ठीक है. ये यूनिट किसकी है बच्चों, ये स्पीड की डिस्टेंस है, क्योंकि स्पीड इक्वल्स टू क्या था, किलोमीटर, मतलब कि डिस्टेंस, राइट, आवर मीन्स टाइम. गॉट इट. अगर डिस्टेंस का यूनिट पूछूं सिंपली किलोमीटर, और टाइम का स्पीड पूछूं तो आवर, ठीक है. फिर अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, फिर अब हम लोगों को ये भी जानना होगा कि कन्वर्जन, कन्वर्जन क्या होता है, राइट. इसमें ना कुछ कन्वर्ट करने के लिए आपको जैसे क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चों कि आप कन्वर्ट करो इस किलोमीटर पर आर को किसमें बच्चों, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, ठीक है. दो यूनिट होती है, एक मैंने अभी आपको बताया किलोमीटर पर आवर, दूसरी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड. लेकिन
कभी कभार कन्वर्ट करने के लिए भी दे देता है कि इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब देखो बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि कन्वर्ट 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमेशा से हमें ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमें 5/18 किस में मल्टीप्लाई करना है और 18/5 किस में मल्टीप्लाई करना है। मतलब जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो कौन सा पिक करें, राइट? तो मुझे बताओ कि आप जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाओगे, मतलब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाओगे, तो बड़े चीज को छोटा कैसे बना सकते हैं, उसको छोटे से मल्टीप्लाई करके। तो मुझे बताओ कि इसमें से वैल्यू छोटा कौन सा है, इसकी वैल्यू तो 0. कितना हो जाएगा बच्चों, बताना जरा, क्या अप्रॉक्स 3 हो जाएगा? मतलब जस्ट अप्रॉक्स माना है मैंने, ये 2 और 0. समथिंग आएगा, 7, 2, 2, 7 करके। सो ये आप देखोगे लेकिन 3. समथिंग आ रहा है, राइट? तो क्या ये वाली यूनिट बड़ी है, राइट? यहाँ पे हम लोगों को कौन सी यूनिट चूज करनी है, छोटी वाली। तो जब भी किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, गॉट इट? और अगर मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको सिंपली 18/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप ये भी बोलोगे कि मैम ये 5/18 और 18/5 क्या है ना, ये हम लोग क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/18? देखो बच्चों, किलोमीटर पर आर से जब हम लोग मीटर पर सेकंड में जाते हैं, ठीक है, तो पहली बात तो मुझे बताओ कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर, क्या वो 1000 मीटर होता है ना? और 1 आवर इक्वल्स टू क्या 60 मिनट होते हैं, लेकिन हमें कन्वर्ट करना है 60 सेकेंड्स में, और 1 मिनट इक्वल्स टू सॉरी कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में, तो यहाँ तो मिनट है, मिनट में मुझे बताओ कितने सेकेंड्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो 60 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3600, गॉट इट? ये सेकेंड में आया बच्चों। तो अब आप क्या करोगे, किसी भी चीज़ को 1000/3600 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जब क्या आएगा बच्चों, क्या ये 5/18 आया? और जस्ट इसका ऑपोजिट कर दोगे तो वो 18/5 आ जाएगा। होप सो आपको ये सारे तरीके समझ में आ रहे हैं कि ये मैंने ऐसा क्यों करा, गॉट इट? क्लियर है सभी को ये कन्वर्जन? चलिए अब मैं कुछ और बताती हूँ आपको, कुछ कुछ चीजें और बताती हूँ। सपोज दैट, जैसे हमेशा देखते हो कि क्वेश्चंस कुछ इस तरह के होते हैं कि मैं स्कूल से घर गई, फिर घर से स्कूल आई, ठीक है, तो क्या यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्या यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है बच्चों? ये इंपॉर्टेंट तरीका है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखना। व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, जो टाइम होगा, अगर सपोज दैट कि टाइम का रेशियो है x:y, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पीड की जो रेशियो हो जाएगी वो y:x हो जाएगी, जस्ट रेसिप्रोकल, क्योंकि समय एक ही, मतलब डिस्टेंस एक ही है ना बच्चों। जैसे आप देखो ये कैसे होता है, मैंने अभी आपको रेसिप्रोकल बताया था, तो अगर आपने यहाँ पे 1/x लिखा, यहाँ पे 1/y लिखा, तो क्या एलसीएम ले लेंगे एक्स वाई, और यहाँ पे एक्स वाई मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे एक्स वाई मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा बच्चों, क्या y:x आएगा? तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, अगर टाइम एक्स रेशियो वाई होगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, वाई रेशियो एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, जब स्पीड कांस्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो रेशियो होगी ना डिस्टेंस की, अगर सपोज दैट कि डिस्टेंस की रेशियो सॉरी अगर टाइम की रेशियो, एक सेकेंड, टाइम की रेशियो अगर x:y है, तो डिस्टेंस की भी रेशियो सेम हो जाएगी, डिस्टेंस की भी रेशियो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि मैम आप मुझे बताओ कि ये कैसे पॉसिबल है, राइट? दोनों का एक एक एग्जाम्पल बताओ। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस होता है ना, मैंने स्पीड मान लिया 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों, और टाइम मान लिया मैंने 6 आवर, ठीक है,
तो मुझे बताओ कितना हो जाएगा डिस्टेंस, क्या 210 किलोमीटर पर 210 किलोमीटर हो जाएगा डिस्टेंस? ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखना बच्चों। मैंने सपोज दैट कि यहाँ पे स्पीड मान लिया कुछ और, सपोज दैट मैंने मान लिया है 21 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे मैंने मान लिया आवर 10 आवर। ठीक है, तो मुझे बताओ कि क्या डिस्टेंस यहाँ पे 210 किलोमीटर है, मतलब क्या डिस्टेंस 210 मतलब कांस्टेंट है ना, क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है? तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो बच्चों कि स्पीड की रेशियो क्या हो गई, स्पीड की रेशियो क्या हो गई बच्चों, 35:21 मतलब 5:3, क्या हो गई बच्चों, 5:3। आप मुझे बताओ टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 6:10 मतलब कि क्या हो जाएगा बच्चों, इट्स 3:5, क्या रेसिप्रोकल आ गया, क्या रेसिप्रोकल आ गया बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ क्या रेसिप्रोकल आ गया। अब चलिए मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, अगर मैं बोलूँ स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो आपको भी पता है कि स्पीड को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ टाइम के साथ, और इस ये बराबर किसके है बच्चों, डिस्टेंस, राइट। हमें क्या कांस्टेंट रखना है, स्पीड। स्पीड मैंने सपोज दैट 75 रखा है, 75 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे टाइम मैंने ले लिया है 4 आवर, तो मुझे बताओ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 300 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों, एनीवन। अच्छा स्पीड कांस्टेंट रखना है, तो स्पीड तो मैंने वही रखा 75, राइट। अब टाइम का क्या करेंगे बच्चों, बताना क्या टाइम का क्या करेंगे, क्या टाइम का कुछ भी ले लेते, 6 आवर ले लेते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, क्या 450 किलोमीटर पर आवर होगा? अब आप मुझे बताओ कि टाइम की रेशियो क्या हो गई, टाइम की रेशियो क्या हो गई, 4:6 मतलब 2:3, गॉट इट। अब यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो देखो, क्या डिस्टेंस का रेशियो 2:3 आया। तो बच्चों जब स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो टाइम और डिस्टेंस का रेशियो सेम हो जाएगा, और जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो स्पीड इंटू टाइम का, सॉरी, जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगा, गॉट इट। क्या यहाँ तक कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, व्हेन स्पीड के इज कांस्टेंट। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों किस पे, जब हम लोग बोलेंगे कि टाइम कांस्टेंट रहेगा, स्पीड। ओके, जब टाइम कांस्टेंट रहेगा बच्चों तब। ओके बच्चों, अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ कि एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं हम लोग, एग्जैक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, एनीवन, किसी को भी कोई आइडिया? चलिए देखते हैं बच्चों, जब टाइम कांस्टेंट है तो मुझे बताओ कि अगर मैं डिस्टेंस मान लेती हूँ, ध्यान से देखना, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, क्या स्पीड इंटू टाइम होगा, स्पीड इंटू टाइम होगा, एनीवन? ओके, तो ध्यान से देखना बच्चों, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस आप क्या मानोगे, डिस्टेंस कुछ भी मान लो, 400 मान लो, ठीक है, और स्पीड मान लो आप 50 मान लो, 50 मान लो, राइट, स्पीड मान लो 50, गॉट इट। टाइम कांस्टेंट रखना है बच्चों, तो मुझे बताओ टाइम कितना हो जाएगा, 50 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, एनीवन, क्या 8 हो जाएगा? ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको फिर 8 टाइम रखना है, यहाँ पे आप स्पीड 60 रख लीजिए, गॉट इट। तो क्या यहाँ पे डिस्टेंस 480 हो जाएगा? तो आप मुझे बताओ कि डिस्टेंस की रेशियो क्या हो गई बच्चों,
डिस्टेंस की रेशियो क्या हो गई, क्या 400:480 हो गई, मतलब कि 5:6 हो गया बच्चों। ठीक है, क्या डिस्टेंस 5:6 हो गया। अच्छा अब देखेंगे स्पीड की, स्पीड की रेशियो क्या हो जाएगी बच्चों, इट्स 50:60, सो द रेशियो इज 5:6। तो आपको मैंने यहाँ पे अगर मैं समराइज करूँ तो तीन चीजें समराइज करा है। अगर मैं बोलूँ कि डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो टाइम और स्पीड का रेशियो रेसिप्रोकल हो, जब स्पीड कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो सेम हो जाएगा, और जब टाइम कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होगा। गॉट इट, क्लियर है सभी को? ओके एक चीज और मुझे बताना है आपको, कुछ एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। आपने सभी ने सुना होगा एवरेज स्पीड। अब देखो जनरली बच्चों को मैं अगर बोलती हूँ कि एवरेज स्पीड फाइंड करना, तो आप क्या करते हो कि सिंपली S1 + S2 करते हो, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हो। मैम आपने बताया था ना कि एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द टर्म्स, राइट? तो आप कुछ एवरेज स्पीड ऐसा कर देते हो, लेकिन बच्चों एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये नहीं होता है, दिस वन इज रॉन्ग। अच्छा आपने एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2S1S2, राइट? और S1 + S2, एक ऐसा फॉर्मूला पड़ा होगा 2S1S2 / S1 + S2, क्या ये करेक्ट है ना? बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैम क्या ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सही है। देखो बच्चों ये फॉर्मूला तो सही है, ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि ये फॉर्मूला सही नहीं है, लेकिन ये कहीं कहीं ही एप्लीकेबल है। मैं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। तो अब आप बोलोगे कि मैम एवरेज स्पीड का रियल फॉर्मूला क्या होता है, राइट? तो एवरेज स्पीड का रियल फॉर्मूला होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस कवर्ड, राइट? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम। क्लियर है बच्चों? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अच्छा तो अब आप बोलोगे कि मैम ये कहाँ एप्लीकेबल है, ये भी बता दो। देखो बच्चों जब डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आप ये वाली फॉर्मूले लगा सकते हो, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है? डिस्टेंस कांस्टेंट है तो 2S1S2 डिवाइडेड बाय S1 + S2 लगा दोगे, आराम से हो जाएगा। अच्छा अब आपके मन में एक और डाउट आ रही होगी, मुझे पता है कि क्या डाउट होगा। डाउट ये होगा बच्चों कि मैम इस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे ना बहुत सारे चैप्टर्स भी कनेक्टेड है ना, बहुत सारे चैप्टर्स कनेक्टेड है, तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले जब जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा तो आपको पता है कि मैं बनवाऊंगी प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, ठीक है? ये बिल्कुल इसी पे बेस्ड है बच्चों, ठीक है? प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो फिर इस पे एक और चैप्टर बेस्ड है, डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। इसीलिए मैंने बोला था कि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, तो ये दोनों चैप्टर्स भी हम आपके लिए डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ओके अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ, ठीक है? आपको क्योंकि इतनी सारी थ्योरी कर ली है हमने, अगर मैं हम लोग इसको अप्लाई नहीं करेंगे तो सारी कुछ सभी कुछ दिमाग से निकल जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, ये रहा है ना, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं जिसमें ऑप्शंस नहीं है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शंस भी दूंगी जब आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तब। हम लोगों ने अप्रॉक्स सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है? सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। सो अब आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बच्चों। अच्छा क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बताऊं, कुछ बताऊं? आप बोलो कि मैम क्या बताओगे आप, है ना? बहुत सारे बच्चों के मन में तो आने लगा होगा कि बताएंगे क्या मैम, है ना? सो बच्चों मैं आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्रैक क्लैट विद अन अकेडमी ऑल इंडिया क्लैट फ्री स्कॉलरशिप मॉक टेस्ट हो रहा है बच्चों, अप टू 90% स्कॉलरशिप फॉर टॉप रैंकर्स, गॉट इट? सो April 9th को हो रहा है, 2 PM को एनरोल कर लो आज ही, इस बार कोड को स्कैन कर सकते हो। एंड इफ यू वॉन्ट टू यूज द रेफरल रेफरल कोड ऑफ -PALIFE, बहुत ही आसान सा, इट्स पूजा अमन एंड दैट इज लाइफ, गॉट इट? ओके सो ध्यान से एक और देखना, क्लैट एंड अदर 5-year LLB एग्जाम भी हो रहा है बच्चों, मॉक टेस्ट कैलेंडर है April 2023 का, एंड April 7, 9, 11, 13, 15, 16, 23,
30 सभी कुछ अवेलेबल है बच्चों आपके लिए, गॉट इट? क्या क्लियर है सभी को? अब देखो, अब आप बोलोगे कि मैम, अब देखो बच्चों के मन में क्या क्या सवाल आते हैं मैं बताती हूँ। मैम क्या ये सभी के लिए है? क्या ये फ्री है? क्या ये प्लस के लिए है? तो बच्चों दो मॉक हैं जो सिर्फ प्लस के लिए, सिर्फ दो ही मॉक हैं जो प्लस सब्सक्रिप्शन वालों के लिए, बाकी ये सभी को ही दे सकता है। फ्री मॉक, फ्री मॉक, फ्री मॉक, फ्री मॉक, राइट? आपको टाइम भी मेंशन किया हुआ है, किस किस चीज का मॉक है ये भी मेंशन किया हुआ है, तो होप सो आपको विजिबल होगा। क्लियर है? सो नेक्स्ट बच्चों, एक बैच स्टार्ट हो गई है आज, तो ऑब्वियसली डेट 7th है, तो 6 अप्रैल को एक बैच स्टार्ट हो गई है, एस लीगल बिगिनर बैच फॉर क्लैट 2025 लैंग्वेज इन इंग्लिश एंड अप्रैल 6 से स्टार्ट हो चुका है। ये सारे बैच के यूएसपी हैं बच्चों, एंड एनरोल कर सकते हो, एंड दीज आर द एडुकेटर हु आर गोइंग टू गाइड यू इफ यू वॉन्ट टू टेक सब्सक्रिप्शन एंड इफ यू वॉन्ट टू एनरोल इन दिस कोर्स एंड यू डोंट हैव एनी प्लस सब्सक्रिप्शन, यू कैन यूज माई रेफरल कोड इट्स PA Live, और इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप प्लस मेंबर बन जाओगे इफ यू वॉन्ट टू टेक सब्सक्रिप्शन, राइट? सो द वॉरियर बैच कमिंग सून है बच्चों, ये ड्रॉपर बैच है पर क्लैट 2024 एस्पिरेंट्स लैंग्वेज इंग्लिश एंड दीज आर द एडुकेटर्स हु आर गोइंग टू गाइड यू, सो होप्स आपको विजिबल होगा एंड दीज आर द बैच USP। बहुत सारी चीजें आपको मिल रही है इसमें, कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी मिल रही है, जैसे आप देख सकते हो एक्स्ट्रा फोकस ऑन रिविजन एंड प्रैक्टिस, मंथली सेशन टू डिस्कस प्रिपरेशन प्रोग्रेस, मंथली कंपेनियम नोट्स, एक्सेस कर सकते हो 35 लाइव मॉक टेस्ट। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे, इफ यू वॉन्ट टू टेक सब्सक्रिप्शन यूज द रेफरल कोड ऑफ माइन दैट इज PA Live, ओके? सो ध्यान से देखना, एक लेवल अब बैच स्टार्ट हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, एक हफ्ते हुए है, जो जिसमें मैं मैथ्स भी पढ़ा रही हूँ। दिस इज द फाउंडेशन बैच फॉर क्लैट एंड एलेट 2024 लैंग्वेज इन इंग्लिश एंड दीज आर द बैच USP एंड दीज आर द एडुकेटर्स हु आर गोइंग टू गाइड यू, ओके? सो अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, हम लोगों ने ये सारे कुछ डिस्कस कर लिए हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था ये, है ना? फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा ये बच्चों, क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या है बच्चों? जस्ट वेट, पेन कहाँ चला गया? हाँ, सो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बच्चों। A man went from home to office at a speed of 40 kilometer per hour and came back with a speed of 60 kilometer per hour. Find his average speed. देखो first question average speed से जो मैंने आपको बताया। अब आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना कि क्या यहाँ पर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है। अच्छा आप खुद सोचो, एक मैन है जो घर गया। क्वेश्चन सबसे पहले आपको एनालाइज करने की जरूरत है बच्चों, कि आपने क्वेश्चन किस तरीके से एनालाइज करा है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो आप ये वाली गलतियां मत करना कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपने क्वेश्चन देखा ही नहीं कि क्या बोल रहा है, आप बनाना शुरू कर दो, राइट? तो सबसे पहले आप एनालाइज करो कि मैम क्या ये एवरेज स्पीड से तो है, लेकिन क्या इसमें डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, कि वो फॉर्मूला लगा के बन जाएगा। सो देखो बच्चों, अगर एक इंसान है जो ऑफिस से घर आता है, ठीक है, ये मैंने एक स्वीट होम बना दिया, ठीक है, पता नहीं, आई डोंट नो कैसा घर है, बस मैंने ये बना दिया, ठीक है, ये कुछ घर है बच्चों। अब मुझे बताओ कि ये तो घर है, घर से ऑफिस जाएगा ये, ठीक है, ऑफिस जाएगा, सपोज दैट डिस्टेंस कुछ भी है ना, डिस्टेंस कुछ भी है, मुझे बताओ जब ऑफिस से घर आएगा तो क्या सेम ही डिस्टेंस रहेगा? तो इट मींस कि बच्चों डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। यस, हम लोग वो वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं, कौन से वाले फॉर्मूले? सो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं तो इट्स 2s1s2, इट मींस कि 2 × 40 × 60 डिवाइडेड बाई 100, इट मींस 40 + 60, राइट? कहाँ से आया 40 + 60? 0 0 कैंसिल, 2 4 8, 8 6 48 एंड दिस वन इज द 48 किलोमीटर पर आवर, गॉट इट बच्चों? सो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करें? सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन। एक कार ड्राइवर है जो ट्रैवल करता है प्लेन से हिल स्टेशन, राइट, विच आर 200 किलोमीटर अपार्ट एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, इन द रिटर्न ट्रिप ही कवर्स द सेम डिस्टेंस, ओके? सो सेम डिस्टेंस इट मीन्स कि डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट। यहां से हम लोगों को काफी अच्छा पॉइंट मिल गया, डिस्टेंस क्या है बच्चों? डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है?
अब देखो 200 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस है आना और 200 किलोमीटर जाना है। अब स्पीड 40 किलोमीटर पर आर दी हुई है और वापस आने की 20 किलोमीटर पर आर। तो मुझे बताओ कि इंटायर इंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी बच्चों? ठीक है, तो एवरेज स्पीड का वैसे तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो 2s1s2 / s1 + s2 होता है। तो चलो देखते हैं, क्या होगा। सो 2 × 40 × 20 / 60। सो 80/3 आएगा, राइट? 80/3 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या ये सही है? ये भी तो हम लोग चेक कर सकते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम से। तो बच्चों टोटल डिस्टेंस तो 200 + 200 400 है, लेकिन टाइम तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो चलिए टाइम निकालते हैं। सो T1 = 200 / 40 मतलब डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना? तो T1 कितनी हो गई बच्चों? 5 किलोमीटर पर आवर, सॉरी T1 5 आवर। अच्छा T2 क्या करेंगे बच्चों? 200 डिस्टेंस है, स्पीड कितने की है? 20 की है। तो मुझे बताओ कि क्या 10 आवर हो जाएगा? तो क्या टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? 200 + 200। अब एवरेज स्पीड निकालते हैं। 200 + 200 / टोटल टाइम कितना हो गया? 15। सो क्या 400 / 15 आएगा? और क्या 80/3 आएगा? सो ऑब्वियसली वो फॉर्मूला काम कर गया, सही था, इतना बनाने की जरूरत ही नहीं थी, है ना बच्चों? चलिए सो क्या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें? एनीवन? चले बच्चों। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, पढ़ते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। सो ड्यूरिंग अ जर्नी, अ मैन कवर्ड 50 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। ही कवर्ड द रिमेनिंग, अच्छा अब तो रिमेनिंग हो गया, अब तो डिस्टेंस ही अलग है, चलिए कोई बात नहीं। सो 50 किलोमीटर उनकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर रहती है, पता नहीं टाइम कितना लिया उन्होंने, निकालूंगी। 70 किलोमीटर जब वो चलते हैं तो 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, टाइम भी पता नहीं है। तो पहले T1 निकालते हैं बच्चों। T1 क्या हो जाएगा? डिस्टेंस क्या है बच्चों? 50, और स्पीड कितनी है बच्चों? 25। क्या T1 आएगा? 2 आवर, राइट? 2 आवर्स हो जाएगा। अब आप T2 निकालो, T2 कितना आप डिस्टेंस कवर करना है? 70, किसकी स्पीड से? 35। तो मुझे बताओ फिर 2 आवर्स आएगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। बच्चों डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस टोटल कितना है? 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर मतलब 120 किलोमीटर। टोटल टाइम हमने अभी कैलकुलेट करा 4। सो द आंसर इज इट्स 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? देखो यहाँ पे क्वेश्चन से ही ये पता चल गया था कि यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूछा था इन्होंने कि एक जर्नी की जा रही है एक इंसान के द्वारा जो 50 किलोमीटर चलता है और उसके बाद जो रिमेनिंग 70 किलोमीटर बच जाता है वो कुछ स्पीड से चलता है। तो ऑब्वियसली यहाँ से पता चल गया कि ये डिस्टेंस जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है बच्चों? ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन कवर्ड 1/3 ऑफ हिज जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बच्चों 1/3 मतलब जर्नी अगर आपने देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभार। हमने जर्नी अगर कंप्लीट जर्नी एक्स मान लिया और 1/3 उसने 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर, 1/3x, 1/3x, तो अब क्या बच जाएगा बच्चों? 2/3x बच जाएगा। तो उसका 1/4 बोलते हैं, 1/4 मतलब कि बच्चों मतलब कि 1/6 ऑफ द रिमेनिंग एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग जर्नी। अब रिमेनिंग जर्नी कितनी बच गई बच्चों? 1/6 + 1/3 क्या हो जाएगा? इट्स
सिक्स और 1 + 2 दैट इज 3/6, मतलब हाफ जर्नी उन्होंने कवर कर ली, हाफ बची हुई है। तो यहाँ पे 1/2x लिख देते हैं, जो कितने में कवर करती है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों ये कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा? मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा लग रहा है, मतलब मैं ऐसे कभी नहीं बनाती। मैं इस क्वेश्चंस को क्या करती हूँ, आप भी अगर ट्राई करोगे तो बहुत मजा आएगा। बच्चों जो भी स्पीड दी हुई है ना, मतलब उसका आप एक एलसीएम ले लो, 30, 25, 20 का एलसीएम क्या लोगे, क्या लोगे बताओ जल्दी से, क्या मानोगे बच्चों? 120 ले लूं, 300 मानू? 300 तो चलेगा राइट, सो 300 चलेगा, 300 मानती हूँ। सपोज दैट कि टोटल डिस्टेंस 300 है, तो मुझे बताओ कि पहले 1/3 तो कितना हो जाएगा, 100, 100 किलोमीटर वो किस स्पीड से चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब रिमेनिंग रिमेनिंग कितना बच गया बच्चों, 200, 200 का 1/4 तो क्या हो जाएगा, 50, वो किस स्पीड से चल रहा है बच्चों, 25। अब रिमेनिंग मतलब 150, वो किस स्पीड से चल रहा है बच्चों, 30। तो एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, तो बच्चों यहां से टाइम क्या निकल जाएगा, यहां से टाइम कितना निकल जाएगा, 5 आवर, यहां से टाइम कितना निकल जाएगा, 2 आवर, और यहां से टाइम निकल जाएगा 5 आवर्स, राइट। टोटल डिस्टेंस हमने कितना माना था बच्चों, 300, और टोटल टाइम हमारा कितना निकला है, 12। सो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 25 किलोमीटर पर आवर। क्या क्लियर है सभी को, सभी बताओ बच्चों क्या क्लियर है? ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर। बच्चों ध्यान से देखना, अ मैन जो है, एक आदमी है बच्चों, जो एक सर्टेन प्लेस पे जाता है 28 आवर्स लगा, ठीक है। इफ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड, अगर वो स्पीड रिड्यूस कर देता है 5/14 से, तो वो 60 किलोमीटर कम ट्रैवल कर पाता है उसी टाइम में। तो क्या यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है बच्चों, क्या यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है? टाइम कांस्टेंट है तो मैंने क्या बताया था कि स्पीड की जो रेशियो होगी वो बराबर होगी किसकी, रेशियो ऑफ डिस्टेंस। स्पीड की रेशियो क्या है बच्चों, देखो 5/, मतलब लिख रहा है रिड्यूसेस स्पीड बाय 5/14, मतलब कि पहले कहीं ना कहीं 14 स्पीड रहा होगा, ठीक है बच्चों, कहीं ना कहीं 14 स्पीड रहा होगा, तो उसे क्या चेंज करना पड़ा बच्चों, S1 पहले स्पीड 14 था, 5 कम कर देना पड़ा, तो स्पीड कितना हो गया, 9, ठीक है। ऊपर वाला चेंजेस शो कर रहा है और नीचे वाला टोटल है, इनिशियल वैल्यू है, ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ कि क्या यही स्पीड का जो रेशियो है 14:9, क्या वो डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा, डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा 14:9। अब मुझे बताओ कि इसका गैप क्या है, डिस्टेंस का गैप क्या है रेशियो में, 5 का, और वो कितना किलोमीटर कम चल पाता है, 60। तो क्या 5:60 किलोमीटर चलेगा, तो 1:1 बराबर कितना किलोमीटर बच्चों, 12 किलोमीटर। तो एक्चुअल स्पीड क्या है बच्चों, तो एक्चुअल स्पीड क्या रही थी, 14 है ना, तो 14 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 14 की वैल्यू, पहले तो आप डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लो, 14 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एनी वन, 168 हो जाएगा। ये 168 किलोमीटर जो रियल डिस्टेंस कवर करना होगा वो होगा बच्चों, क्लियर है? लेकिन बच्चों ये तो डिस्टेंस है ना, 168, 168 इज द डिस्टेंस राइट। तो अब मुझे बताओ ओरिजिनल डिस्टेंस ये है, तो स्पीड निकालनी है ना, तो 28 आवर लगा रहा था ना, तो 28 से डिवाइड कर दूं, तो आप डिवाइड करके देखो कितने से कटेगा, 4 से काटती हूँ तो 42 टाइम्स 4 से यहाँ पे 7, ओके सो 6 किलोमीटर पर आवर।
अब आप बोलोगे तो मैं एक बार रिवीजन कर दूंगी, मतलब एक बार रिपीट कर दूंगी। सो एक मैन जो सर्टेन प्लेस पे पहुंचता है 28 आवर्स में, और वो अपनी जब स्पीड घटा देती है 5/14 से, तो वो 60 किलोमीटर कम कर कवर कर पाता है उसी टाइम। टाइम इज कॉन्स्टेंट, सो रेशियो ऑफ स्पीड इक्वल्स टू रेशियो ऑफ डिस्टेंस, एंड रेशियो ऑफ स्पीड इक्वल्स टू 14:9, एंड डिस्टेंस रेशियो इक्वल्स टू 14:9, एंड देयर डिफरेंस इज 60 किलोमीटर। सो इन रेशियो देयर इज फाइव डिफरेंसेज ऑफ ऑब्वियसली, तो 5 डिफरेंसेज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर, मतलब 5:60 किलोमीटर, 1:12 किलोमीटर। तो जो रियल डिस्टेंस थी 14, उसका उसका क्या वैल्यू होगा बच्चों, 168 किलोमीटर उसने ट्रैवल मतलब कवर करा, डिस्टेंस एक्चुअल था। ठीक है, अब एक्चुअल डिस्टेंस तो मिल गया, एक्चुअल टाइम क्या लग रहा था 28 ना, तो 28 से डिवाइड कर दिया तो क्या निकल गया, एक्चुअल टाइम। सो दिस वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो रोहन सो बच्चों ध्यान से देखना, रोहन है क्वेश्चन नंबर 6 है। रोहन व्हाइल साइकिलिंग टू हिज स्कूल रिड्यूसेस हिज स्पीड टू, देखो अब 62.5 रिड्यूस कर दिया है, तो बच्चों मुझे बताओ 62.5 इसके बराबर है क्या, ये 12.5 × 5 कर दूं, तो 5 5 = 25, मतलब ऐसा कुछ होगा, तो 12.5% की वैल्यू क्या है बच्चों, 1/8, तो क्या ये 5/8 के बराबर है, मतलब एक्चुअल जो स्पीड होगी S1 जो होगी वो 8 होगा, और S2 क्या हो गया होगा बच्चों, 5। अच्छा आपको मैं डिफरेंसेस बता दूं कि अगर स्पीड 2 पूछ रहा है तो वही रेशियो हो जाएगा बच्चों, और अगर स्पीड बाई पूछ रहा है घट गया तो यहाँ पे 3 होता है S2, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे 3 हो जाता है, लेकिन अभी 8:5 है। अब मुझे बताओ कि अगर अगर साइकिलिंग कर रहा है वो स्कूल से, और सेम फिर वही जाता है ये स्पीड घटा देता है, तो क्या यहाँ पे आपको ये लग रहा है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो मुझे बताओ कि क्या टाइम की रेशियो रेसिप्रोकल हो जाएगी, टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, 5:8, 5:8, और इसका डिफरेंस कितना है बच्चों, 45 मिनट, है ना, मतलब 3 रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है 45, तो 1 रेशियो 15 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फाइंड द एक्चुअल टाइम दैट इट टेक्स, तो मुझे बताओ कि क्या 5 रेशियो रिप्रेजेंट करेगा, 5 × 15 दैट इज 75 मिनट में वो पहुंच जाता होगा। सो द आंसर इज इट्स बी, गॉट इट, आंसर इज बी, गॉट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अशीमा कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 22.5 आवर्स, ही ट्रेवल द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर, एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी इन किलोमीटर। सो बच्चों आप खुद से सोचो, ओके मतलब कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है क्या वो कुछ सिमिलर है, क्योंकि फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ बोला है, डिस्टेंस सेम है बच्चों, जल्दी से बताओ क्या डिस्टेंस सेम है, तो अगर डिस्टेंस सेम है, ठीक है, अगर एक सेकेंड पेन मार्कर का कलर चेंज करने दो, अगर डिस्टेंस सेम है बच्चों तो क्या होता है, डिस्टेंस सेम होने से कांस्टेंट होने से क्या होता है बताना जरा, क्या स्पीड जो है, स्पीड की रेशियो जो है, ध्यान से देखिएगा, स्पीड की रेशियो क्या है बच्चों, क्या 7:8 है, मतलब ऑब्वियसली आप देख सकते हो 35:40 है, तो काटोगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, गॉट इट, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 7:8 हो जाएगा स्पीड, तो मुझे बताओ कि टाइम की रेशियो क्या हो गई, टाइम की रेशियो 8:7 हो जाएगी। अब टाइम टोटल कितना है 15 रेशियो में, जो कि टोटल टाइम यहाँ पे कितना दिया हुआ है 22.5 आवर, तो 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 22.15 रिप्रेजेंट कर रहा है 22.5 को, तो 1 किसको करेगा बच्चों, 1 किसको करेगा, एनी 1 1.5 को करेगा, क्या
क्या वन 1.5 को करेगा तो 8 किसको करेगा बच्चों? 8 किसको करेगा? 8 करेगा 12 को, 8 करेगा 12 को, और 7 करेगा 10.5 को। क्लियर है? तो ही ट्रेवल अके, तो इन्होंने पूछा है कि टोटल जर्नी कितनी होगी। तो आप मुझे बताओ कि अगर स्पीड है 35 और यहाँ पे टाइम लगा रहे 12 आवर, तो कितना हो जाएगा बच्चों? क्या 420 हो जाएगा? अच्छा, अब आप देखो यहाँ पे स्पीड है 40, यहाँ पे 10.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या यहाँ पे भी 420 हो जाएगा? तो ये हो गया D1 और ये हो गया D2, तो ऑब्वियसली D तो सेम ही था वैसे, तो D1 प्लस D2 इक्वल्स टू 840 किलोमीटर, राइट? सो टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी इन द किलोमीटर इज 840। सो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस और मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, और सारे कॉन्सेप्ट मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको समझा दी जाए। अगर और भी कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मैम इस तरह और किस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी करवाऊंगी तो कुछ नया कॉन्सेप्ट के साथ करवाऊंगी, जैसे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस तो करवा दिया, अब मैं करवाऊंगी ट्रेन प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स के क्वेश्चंस, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आपको पसंद आया होगा ये सेशन। सो बाय बच्चों, टेक केयर।